अक्षय कुमार ने जब मुझे डंप किया उसके बाद मैं बहुत दुखी हो गई, मगर मैंने डिप्रेशन की कहानी नहीं भेजी दीपिका पादुकोण की तरह। गणेश चतुर्थी है, मैं गणपति जी को घर लेके आई, इतने सालों से गणेश चतुर्थी मना रही हूँ, मैं एक अच्छी हिंदू हूँ, मगर राम जन्मभूमि भूमि पूजा के ऊपर मैं ट्वीट कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान राम तो कम्युनल है ना बॉलीवुड के अंदर। तो हम गणपति चतुर्थी मनाएंगे इन स्पाइट ऑफ कोरोना वायरस। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं ऐसी तपेली जैसी शक्ल के होने के कारण बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए। अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर वाली कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ूंगी तो मेरा तो पूरा आने वाला करियर ठप हो जाएगा। हर मुद्दे पर बेबाक होकर बोलने वाली पायल रोहतगी हर बार बॉलीवुड इंडस्ट्री के किसी न किसी अभिनेता या अभिनेत्री पर बात करती हुई नजर आती हैं। हाल ही में पायल ने शिल्पा शेट्टी की नकल करते हुए उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातों से पर्दा उठाया है। पायल ने शिल्पा शेट्टी का मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा कि हमारी जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं उतनी ही हमें पब्लिसिटी मिलती है। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हुए ये भी कहा कि शिल्पा शेट्टी अब बॉलीवुड की इनसाइडर बन चुकी हैं, जो कि कभी आउटसाइडर हुआ करती थी। और क्या क्या कहा पायल रोहतगी ने, आइए आपको भी दिखाते हैं। नमस्ते, मैं हूँ शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। जी हाँ, मैं बहुत सालों से इंडस्ट्री में हूँ, ना मेरे पास इतनी कोई हैपनिंग शक्ल थी, ना मेरे पास इतना कोई हैपनिंग एक्टिंग टैलेंट था, मगर मैंने सर्वाइव किया। जी हाँ, अक्षय कुमार ने जब मुझे डंप किया उसके बाद मैं बहुत दुखी हो गई, मगर मैंने डिप्रेशन की कहानी नहीं बेची दीपिका पादुकोण की तरह। मैंने अपने आप को सुपर फिट बनाया, मैं यूके गई, वहाँ पर रेसिज्म की कहानी बेची, obviously big brother जीता, वहाँ पे एक businessman के साथ शादी कर ली, the businessman who was already married, पता नहीं, मगर उसका breakup हो रहा था, divorce हो रहा था, I don't know, I am not a homemaker, but anyways, मैं उसकी दूसरी बीवी बन गई और उसको UK से इंडिया ले आई। उसने बहुत सारी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट किया, IPL में भी किया, बेटिंग में भी किया, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं किया। एनीवेज, जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है उतनी पब्लिसिटी मिलती है, आफ्टर ऑल दैट इज हाउ वी सर्वाइव इन इंडिया। अब गणेश चतुर्थी है, मैं गणपति जी को घर लेके आई, इतने सालों से गणेश चतुर्थी मना रही हूं, मैं एक अच्छी हिंदू हूं, मगर राम जन्मभूमि भूमि पूजा के ऊपर मैं ट्वीट कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान राम तो कम्युनल है ना बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड के अंदर अगर कोई हिंदू भगवान है जिसको हम पूजते हैं तो वो गणपति जी है। तो हम गणपति चतुर्थी मनाएंगे इन स्पाइट ऑफ कोरोना वायरस। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं ऐसी तपेली जैसी शक्ल के होने के कारण बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए, मगर मैंने किया ना, सो प्लीज अप्रिशिएट माई टैलेंट। अब तुम लोग मुझे ट्रोल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, टिकटॉक के ऊपर अगर मैं नाचती थी या मेरा हस्बैंड नाचता था हमें पैसे मिलते थे, हम करते थे, क्या हमने देश को बेचा? नहीं। तो हमारे टिकटॉक वाले वीडियोस का मजाक उड़ाना बंद करो। रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, उसके ऊपर मैंने एक फोटो तो डाल दी, और क्या बोलूं, इतनी सारी ऐसी टाइप की कॉन्ट्रोवर्सीज में मैं नहीं पड़ती, मैं बेटिंग वाली कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ सकती हूँ, मगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर वाली कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ूंगी तो मेरा तो पूरा आने वाला करियर ठप हो जाएगा जो इतनी भी मुश्किल से मैंने बनाया है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं गणपति चतुर्थी के बारे में बात करूंगी मगर राम जन्मभूमि के ऊपर बात नहीं करूंगी। आई एम शिल्पा शेट्टी, आपको समझना चाहिए, मैं रेसिज्म की कहानी बेचती हूँ मगर ऑब्वियसली बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच की कहानी थोड़ा बेचूंगी, समझो, मैं बॉलीवुड की इनसाइडर हो गई हूँ, आउटसाइडर थी, अब हूँ इनसाइडर। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पायल रोहतगी शिल्पा शेट्टी बनकर बातें करती हुई नजर आई हैं, और अक्सर ही उन्हें ऐसी बातें करते हुए देखा गया है। पर अगर देखा जाए तो क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर एक इंसान ऐसा है, इसे मानना बेहद मुश्किल है। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें वर्सा लाइव टीवी। धन्यवाद।